बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं शेफ अफजल, आप देख रहे हैं शेफ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बनाएंगे कड़क सोन हलवा, किस तरीके से बनता है, सर्दियों की सौगात, सर्दियों में बहुत ही मज़े का लगता है, और एक कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा, मगर बहुत ही कम क्वान्टिटी में, ताकि आप अपने घर में बना सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको इस रेसिपी के बारे में या मेरी रेसिपी के बारे में कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप वहां से जाके मुझसे रابطہ कर सकते हैं, मैं कोशिश करके ज़रूर आपको गाइड करूंगा। तो दोस्तों देखते हैं कड़क सोन हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं सोन हलवा बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक किलो इसके लिए हमें चाहिए होगी चीनी, देसी घी, सनमक, कॉर्नफ्लोर पाउडर, मैदा, बादाम, इसको एक से दो कर लिए हैं, पिस्ता, कोकोनट। तो सबसे पहले इसको सजाएंगे कोकोनट बादाम पिस्ते को, इस तरीके की मैंने घेरियाँ लिए हैं, नीचे पेपर लगा दिया है। तो दोस्तों सोन हलवे के लिए आपको नॉन स्टिक पैन या लोहे की कड़े चाहिए होंगे, घेरियाँ चाहिए होंगी, सिल्वर या स्टील की में ये चिपक जाता है। तो इस तरीके से मैंने बादाम लगाए हैं, कोकोनट लगाया है, ज़रा ज़रा सा पिस्ता। तो इसको सजा के साइड पे करते हैं और कॉर्नफ्लोर पाउडर और मैदे का पेस्ट बना लेंगे इस तरीके से। अब इसमें सनमक शामिल करेंगे और घी ऐड करके इसका पेस्ट बनाएंगे। पहले थोड़ा सा घी हमने ऐड करना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना बने। इसको चम्मच की मदद से अच्छे से हिलाएंगे ताकि ये पेस्ट बन जाए इस तरीके से। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो मुझे लग रहा है इसमें घी कम है, तो ज़रा सा घी मैं इसके अंदर और ऐड कर लूँगा। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पर करते हैं और चाशनी तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह से ये मिक्स हो चुका है, अब इसको साइड पे करके चाशनी की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है, एक केजी चीनी इसके अंदर ऐड कर देंगे और पानी, पानी आपने इतना लेना है कि चीनी अच्छे से डिप हो जाए, थोड़ा सा ऊपर हो पानी। और चम्मच आप इसमें ऐसा लीजिएगा कि लकड़ी का चम्मच हो, ताकि आप इसको फेंट सकें आसानी से। और लिक्विड ग्लूकोज इसी स्टेज पर आप इसमें शामिल कर दें। तो चाशनी माशाल्लाह से हमारी तैयार हो चुकी है, इस मैं आपको दिखा देता हूँ चाशनी की पोजीशन। तो देखिए इतनी तार की हमें चाहिए, ज़्यादा मोटे तार भी ना हो और ज़्यादा पतली चाशनी भी ना हो। अब कॉर्नफ्लावर और मैदे का जो पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे और जो फ्लेम है उसको इस स्टेज पर आपने कम रखना है, मीडियम टू लो रखना है, उससे भी थोड़ा सा कम, और इसको फेंटना है 5 मिनट तक के लिए इस तरीके से। और जब ये थोड़ा सा थिक होने लगेगा तो फिर आप इसके अंदर घी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके, तकरीबन हाफ हाफ कप घी आपने इसके अंदर ऐड करना है 7 से 8 मरतबा इस तरीके से। इसको फेंट लें तो ये थोड़ा सा थिक होने लगा है, तो अब इसके अंदर मैं घी ऐड करने लगा हूँ। दोस्तों घी आपने तकरीबन 1.5 किलो अपने पास रखना है, जितनी सोन हलवे की रिक्वायरमेंट होगी, जितने घी में ये पकेगा उतना घी इसको देना होगा। 1.5 केजी घी आप अपने पास रखेंगे, अगर जो बच जाएगा तो आप किसी और भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस तरीके से जितना घी इसके अंदर एंड तक डलेगा उतना ही घी डालना है आपको इसके अंदर, क्योंकि कोई चीनी होती है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा घी डालना पड़ता है, कुछ चीनी ऐसी है कि वो कम घी से सोन हलवा बन जाता है। तो देखिए थोड़ा सा और थिक हो गया है, तो मैं फिर इसके अंदर घी ऐड कर रहा हूँ। और घी ऐड करके आपने इसकी जो साइडें हैं वो साफ़ करते रहना है, साइडों पे सोन हलवा जमे ना, तो इसका आपने ध्यान रखना है, साइडें प्रॉपर आप साफ़ करते रहिएगा। और देखें जैसे ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक होगा तो इसकी जो आँच है वो आप थोड़ी सी तेज़ कर देनी है, इतनी कि इसमें उबाल आता रहे। और अब इसमें मैं लगा रहा हूँ चॉकलेट पाउडर। चॉकलेट पाउडर इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कलर के लिए ऐड करते हैं हम, ताकि कलर इसके अंदर आ जाए सोन हलवे का। और घी इसके अंदर प्रॉपर आपने इसी तरीके से ऐड करते रहना है। तो थोड़ी सी आंच मैंने इसके नीचे तेज़ की है
और ग्लूकोज़ के बारे में भी दोस्तों मैं बता दूं, ग्लूकोज़ जो हमने जितना ग्लूकोज लिया था उससे हाफ हमने शुरू में इसमें ऐड किया है, हाफ हम थोड़ी सी देर के बाद इसमें ऐड करेंगे जब इसे ये थोड़ा सा कलर अपना चेंज कर देगा, और जब मुझे लगेगा कि ये जमना शुरू हो चुका है, ये जम रहा है कढ़ाई की साइडों पे, तो फिर मैं इसमें ग्लूकोज ऐड करूँगा। तो अब मैं साइडें साफ़ करता हूँ, इसकी साइडें आपने इसकी प्रॉपर साफ़ करते रहना है, बार बार साफ़ करनी है साइडें। तो देखें ये साइडों से काफ़ी थिक हो चुका है, जमना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पे थोड़ा सा घी की क्वांटिटी भी आपने बढ़ानी है, जबकि ये साइडों में चिपकने लग जाए तो उस वक्त, और चम्मच आपने इसमें नहीं रोकना है, चम्मच मुसलसल आप इसमें चलाते रहेंगे इस तरीके से, और घी भी आप इसमें ऐड करते रहिएगा इस तरीके से। तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा जमना शुरू हो चुका है, ज़्यादा थिक होना शुरू हो चुका है, और जो घी है वो भी इसके ऊपर आ चुका है। तो मैं इसके अंदर ग्लूकोज जो मैंने बचा के रखा था वो इसके अंदर और ऐड कर दूंगा, ताकि ये जमे ना, साइडों पे चिपके ना इस तरीके से। और दोस्तों फिर भी आपको लगे कि ये सोन हलवा ज़्यादा थिक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, तो आप ग्लूकोज थोड़ा सा इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। जितना रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ग्लूकोज का। और सोन हलवा जब आपने इसको चूल्हे से नीचे उतारना है तो इसको थोड़ा सा चेक करके देखना है, इसको कड़क करके उतारना है, बिल्कुल नरम नहीं होगा ये, अच्छे से कड़क करके उतारना है। और आपने थोड़ा सा इसको चख के भी देखिएगा कि ये दांतों को चिपकना नहीं चाहिए, जो सही सोन हलवा होगा वो दांतों को कभी भी नहीं चिपकेगा। तो मैं अब इसको चेक करने लगा हूँ क्योंकि इसका कलर आ चुका है। इस तरीके से स्पून की मदद से या नाइफ़ की मदद से आप ज़रा सा सोन हलवा लें तो उसको चेक कर लें। तो जब मैंने शुरू में चेक किया था तो ये मुझे नरम लग रहा था, अब दोबारा मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो अब सोन हलवा हमारा तैयार है, मैंने चूल्हे से इसको नीचे उतारा है, और अब इसको जो हमने कड़े बना के रखे थे उसके अंदर भर देंगे इस तरीके से। और भरने के बाद 5 से 10 मिनट इसको रेस्ट देंगे, और बीच बीच में हम चेक भी करते रहेंगे। जैसे ही ये जमेंगे हल्के हल्के से तो हम इसको जो घेरियाँ हैं, जो कड़े हैं, उनसे बाहर निकाल लेंगे। और भरने के लिए मैं आपको बता दूं, आपने या तो प्लास्टिक का चम्मच इस्तेमाल करना है या लोहे का चम्मच इस्तेमाल करना है। स्टील का और सिल्वर का चम्मच के साथ ये चिपक जाता है, तो ये आपके जहन में होनी चाहिए बात। तो सारा सोन हलवा मैंने भर दिया है इस तरीके से, अब इसको रेस्ट देते हैं तकरीबन 5 से 10 मिनट, जब तक कि ये हल्का हल्का सा कड़क हो जाए, फिर इसको बाहर निकालेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया है, तो सोन हलवा थोड़ा सा कड़क हो चुका है। तो अब इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो देखें कितनी आसानी से ये जो कड़े हैं हमारे उससे बाहर आ रहा है इसी तरीके से। और ये इस वक्त थोड़ा सा गर्म भी है, गर्म गर्म सोन हलवे को आपको निकालना पड़ेगा इससे बाहर। अब इसको छोड़ देते हैं, रेस्ट देंगे इसको, ताकि ये जम जाए, कड़क हो जाए, फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो 20 मिनट दोस्तों हमने इसको फिर दोबारा से रेस्ट दिया है, तो कड़क हो चुका है सोन हलवा। अब वक्त है इसको डिश आउट करने का, और आपको एक पीस तोड़ के दिखाने का कि आप देखें किस तरीके का हमारा सोन हलवा बना है। ये सोन हलवा जो है वो दोस्तों कड़क होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए, खस्ता होना चाहिए। तो एक पीस उठाते हैं और उसको तोड़ के आपके सामने मैं रखता हूँ, तो देखें एक पीस उठाएँ इस तरीके से, उसको इस तरीके से तोड़ के देख लें, तो देखें माशाल्लाह से कितना क्रंची और कितना क्रिस्पी है, और अंदर भी इसके जाल है, तो जाल इसके अंदर लाजमी होना चाहिए। सोन हलवे में जाल नहीं होगा तो ये दांतों को चिपकेगा। इस तरीके से आप इसको शॉपर में डाल के पैक करके रखें, और इसको पैक करके आप 10 दिन तक रूम टेम्परेचर में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अलबत्ता फ्रिज में या फ्रीज़र में आपने इसको नहीं रखना है, ये मैं आपको बता दूं, वरना सोन हलवा जो है वो उसके अंदर नमी आ जाती है फ्रिज में या फ्रीज़र में रखने की वजह से। तो दोस्तों सोन हलवा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।